सो ए व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने रहे वर्किंग विद जेसन अरे इंस्ट्रक्ट इन बिगक्वेरी का। तो पासवर्ड को यहां से कॉपी करूंगा, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लूंगा, यूजर नेम लिखा गया एंटर प्रेस कर देना, देन पासवर्ड पेस्ट करना, एंटर दबा देना। सो ये हमारा कॉन्सोल जो है ओपन हो चुका है। इधर से बिगक्वेरी पे क्लिक करना, ठीक है, ये बिगक्वेरी ओपन हो रही है, इसे ओपन हो जाने देना। अगर ना हो तो अगेन एक बार क्लिक कर देना, अगेन इधर आना, सीधे टास्क वन पे क्लिक करना एंड हमें जो एक डेटा सेट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा फ्रूट स्टोर, ठीक है। सो ये मैंने कॉपी कर लिया, फुल स्टॉक कॉपी मत करना है, स्पेसिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना, क्रिएट डेटा सेट पे क्लिक करना, इधर डेटा सेट को यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड क्रिएट डेटा सेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये काम डन, अगेन बैक आना, नीचे स्क्रोल करना, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है एंड ये सब कुछ भी नहीं करना है एंड ये सब भी आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको रन नहीं करना है, ठीक है। अगेन जो है हमें नीचे स्क्रॉल करना है एंड हमें जो एक टेबल को क्रिएट करना है फ्रूट स्टोर के अंदर जाकर, फ्रूट स्टोर उस डेटा सेट का नाम है जो हमने बनाया है, देन उसके अंदर फ्रूट डिटेल्स नाम की एक टेबल हमें क्रिएट करनी है। तो इसको कॉपी कर लेना, अगेन इधर आना, इस फ्रूट स्टोर वाले पे आना, अगर ना दिखे तो इस एरो पे क्लिक करना, ठीक है। इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना, क्रिएट डेटा, क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देना एंड ऐसा कुछ आ जाएगा, इस पर क्लिक करना, क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करना, टेबल के नाम की जगह पे इसको पेस्ट करना, स्पेसिंग का ध्यान देना, ठीक है। इधर आना, यहाँ से जो है आपको इसको कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया, इधर आ जाएंगे, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड अगेन बैक आ जाना, ऑटो डिटेक्ट रहेगा आई थिंक सो स्कीमा, सो यह स्कीमा ऑटो डिटेक्ट रहेगा। अगेन इधर आ जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करूँगा, स्कीमा जो है ऑटो डिटेक्ट रहेगा, क्रिएट टेबल पर क्लिक कर देना, हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। सेगमेंट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अगेन टास्क थ्री की ओर चलते हैं, तो ये आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है एंड ये भी आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये लास्ट वाली क्वेरी को जो है कॉपी कर लेना है इसमें एंड इधर आ जाना है, कंपोज क्वेरी पे जाना है, इस पे मतलब अनटाइटल पे, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, रन पे क्लिक कर देना है, अगेन जो है बैक आ जाना, नीचे स्क्रॉल कर देना, चेकमेट प्रोसेस पे क्लिक करना, टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अगेन नेक्स्ट टास्क फोर पे चलते हैं फटाफट। सो यहाँ पे आपको जो है नॉर्मली लास्ट क्वेरी पे आना है एंड यहाँ पे जो है आपको इस क्वेरी को कॉपी कर लेना है एंड अगेन इधर आएंगे, इसको यहाँ पे आके वापस से पेस्ट कर देना, रन पे क्लिक कर देना, टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सो इधर आ जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करूँगा, टास्क जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। सो ये चेक कर रहा है, ये टास्क कंप्लीट। टास्क फाइव पे चलते, तो अगेन हमें जो है बिगक्वेरी पे जाना है, देन इधर से बिगक्वेरी डेटा पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे जाना है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको स्किप कर दो, ये सब आपको नहीं करना है एंड ये जो है ये हमें रन करना है क्या, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो टास्क सिक्स भी आपको नहीं करना है, टास्क सिक्स को भी आप स्किप करना, सीधे इधर आना, इसको जो है आपको कॉपी कर लेना है, फुल स्टॉप कॉपी हो गया, एक चीज़ का ध्यान देना फुल स्टॉप का भी, ठीक है। इधर तीन डॉट्स पे क्लिक करना, क्रिएट डेटा सेट पे क्लिक करना, इसको जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, फुल स्टॉप ध्यान से रिमूव करना, अगेन क्रिएट डेटा सेट पे आपको क्लिक कर देना है, अगेन बैक आना है, बैक आने के बाद जो है हमें डेटा सेट का नाम देना है, डेटा सेट का नाम रहेगा, टेबल का नाम रहेगा रिजल्ट, रेस रिजल्ट, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। इधर आ जाएंगे, इधर आपको रेस दिख रही है, इसके तीन डॉट्स पे क्लिक करना, क्रिएट टेबल्स पे क्लिक करना एंड इधर जो है आपको क्लाउड स्टोरेज सेलेक्ट कर लेना है, टेबल की जगह पे आपको जो है इसको पेस्ट कर देना है, अगेन जो है बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इसको जो है आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, देखना कुछ भी मिस ना हो जाए। इधर आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अगेन जो है हम बैक आ जाएंगे, इसको जो है यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, अगेन इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड एडिट एज अ टेक्स्ट पे क्लिक करना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड इधर क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये काम भी हमारा डन हो चुका है, अगेन नीचे स्क्रॉल करना एंड अब सीधे आपको चेकमेट प्रोसेस पे क्लिक करना है, आपने एक और जो है डेटा सेट क्रिएट कर लिया है एंड आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन जो है हमें नीचे स्क्रॉल करना है, करते जाओ एंड टास्क सेवन करना है हमें सीधे। टास्क सेवन पे आपको क्या करना है, तो इस वाली कमांड को कॉपी कर लेना, इधर आना, इधर आने के बाद जो इसकी जगह पे पेस्ट करना, रन पे क्लिक कर देना एंड ये वाला जो टास्क है आपका कंप्लीट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना, चेकमेट प्रोसेस पे क्लिक कर देना एंड ये टास्क भी आपका बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट हो जाएगा। टास्क एट पे चलते हैं, तो टास्क एट पे आपको जो है नॉर्मली यहाँ से इस कमांड को कॉपी करना है, अगेन जो है आपको इधर आना है, इसकी जगह पे आपको पेस्ट करना है एंड रन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगेन बैक आना एंड चेक माई प्रोसेस पे क्लिक कर देना, ये वाला जो टास्क है ये भी आपका कम्प्लीट हो जाएगा एंड अगेन टास्क नाइन पे चलते हैं, तो फटाफट लास्ट टास्क इस लैब का, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे, अगेन इधर आएंगे, इसकी जगह पे आपको पेस्ट कर देना है, रन पे क्लिक कर देना है, अगेन जो है बैक आएंगे, चेकमेट प्रोसेस पे क्लिक कर देना, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।